थपकी थपकी प्यार की। मिल गई हमारी माफी तुमको। लो मेरी तरफ से भी केक खा लो। कितना ट्रस्ट किया था तुम पर हमने थपकी, अपनी स्मॉल सिस्टर समझा था तुम्हें, और अपने रॉन्ग बिहेवियर पे हमने तुम्हें सॉरी भी कहा था, पर तुमने क्या किया? देखो मेरे बाल की हालत देखो, और इसकी स्किन की, और हमारे ऑसम हस्बैंड के साथ में तुमने क्या किया? ठोकर बना के रख दिया तुमने। तुम इतने नीचे गिर सकते हो, हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे। बड़की, वो बड़ी सासू माँ कहती थी ना, बिल्कुल सही कहती थी कि जो रुक रुक के बोलता है ना, उसका मन काला होता है, काला, बिल्कुल मैला। और थपकी, तुमको पता है, आज तक हमारे पति का किसी ने इतनी बेइज्जती नहीं की जितना आज तुम्हारी वजह से हुआ है। संस्कारों की, रिश्तों की बातें करती हो ना, और ये संस्कार दिए हैं तुमने तुम्हारे माँ बाप ने? थपकी, तुम ना अब एक काम करो, अब तुम अपने मॉम डैड के साथ जाके ही रहो, इस बंगलों में अब तुम जैसे लोगों का कोई काम नहीं है। थपकी, दूर है काम से, हाथ भी मत लगाना। और खत्म हो गए सारे रिश्ते, नहीं है अब तुम्हारी भाभी, और आज के बाद ये अपनी सड़ी हुई शक्ल ना हमारे सामने लेके नहीं आना। नफरत करते हैं हम तुमसे, नफरत। भाभी, भाभी मेरे बात सुनिए, भाभी, भाभी मेरे बात सुनिए। धूप सी ऐसी पड़ी है, ख्वाब जो थे पिघल गए, आंसुओं ने कहा दिल की सुनी है, पल के मूंदी निकल गए, दिन के हैं थोड़े उम्मीदें हैं जोड़े, जिंदगी मुस्कानों को टोके, थप 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 थपकी, थप 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 थपकी। देखा मम्मी? देखिए देखिए थपकी की हालत तो देखिए। मम्मी जी, ऑल क्रेडिट गोज टू यू, क्या धज्जियां उड़ाई है थपकी की आपने, सुपर प्लान बनाया, थैंक यू सो वेरी मच मम्मी जी। अगर आप ऐसा प्लान नहीं बनाती ना, तो हम कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाते। इवन प्रीति भाभी और सुमन भाभी ने भी सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए उससे। श्रद्धा, ध्रुव और तुम्हें करीब लाने के लिए अगर मुझे सारी दुनिया को भी थपकी के खिलाफ करना पड़े ना, मैं कर दूंगी। क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा क्यों लटक गया, क्या बात है? कुछ नहीं मम्मी जी, मुझे आप पर तो पूरा भरोसा है कि आप पूरे घर वालों को थपकी के खिलाफ कर देंगे, लेकिन मुझे अपने आप पे भरोसा नहीं है कि मैं ध्रुव को अपने करीब कभी लेकर भी आ पाऊंगी या नहीं। वो जिस तरह से रहता है ना, अकेला अकेला, गुमसुम सा, चुप चुप सा, वो कभी अपने आप को बदल भी पाएगा या नहीं? तुमने कुआ देखा है? हाँ। और कुएं के पत्थर पर पड़ी वो रस्सी की लकीर? क्या मम्मी जी, कुआं और रस्सी के निशान, इन दोनों का मेरे और ध्रुव के रिलेशन से क्या कनेक्शन है? बेटा, जब पत्थर पर एक मामूली सी रस्सी का निशान पड़ सकता है, तो ध्रुव तो इंसान है और तुम उसकी बीवी, अपने बीवी होने का हक जताओ उस पर, उसे इतना प्यार दो, उसका इतना ख्याल रखो कि वो तुमसे दूर जा ही ना सके। उसका दिल जो तुम्हारे लिए पत्थर बना हुआ है, उस पर अपने नाम का वो निशान लगाओ कि वो कभी मिट ना सके। आई बात समझ में?
नेक काम में देर कैसी, केक लेके जाओ जल्दी भाग भाग। ध्रुव तुमने भैया भाभी का एनिवर्सरी केक नहीं खाया, देखो मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ, थोड़ा सा खा लो। नो श्वेता इट्स ओके, केक मुझे ज्यादा पसंद नहीं। ध्रुव मैं इतने प्यार से लेकर आई हूँ, थोड़ा सा तो खा लो प्लीज। श्वेता इट्स ओके, मेरा बिल्कुल मूड नहीं है, वैसे भी बहुत कम है। अच्छी देखो ध्रुव, अगर तुमने नहीं खाया तो फिर मैं भी नहीं खाऊंगी। मेरा मन रखने के लिए खा लो, जस्ट वन बाइट। जब तक मैं जिंदा हूं ना, तुम्हें इन दोनों के बीच नहीं आने दूंगी थपकी, ये मेरा वादा है। क्या जबरदस्ती गलती क्यों मानी तुमने अपनी? हम जानते हैं वो कपड़े तुमने ऑर्डर नहीं किए, और आज पार्टी में जो कुछ भी गलत हुआ वो सब उस श्रद्धा की करतूत। वो श्रद्धा जानबूझ के ये सब कर रही है, वो जानबूझ के तुम्हें नीचा दिखाने के। रेहान, श्रद्धा की कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। अगर मैंने कोई काम करने की जिम्मेदारी ली थी तो वो काम मुझे अच्छे से करना चाहिए था, पर नहीं, आज सिर्फ मेरी गलतियों की वजह से मैंने दोनों भाभियों का विश्वास खो दिया। नफरत करने लगे हैं वो तो मुझसे, रिश्ता तोड़ लिया उन्होंने मुझसे। अरे फिर वही हम कह रहे हैं। बस बिहार, तुम्हें मेरा हर जगह साथ देने की कोई जरूरत नहीं है, स्पेशली जब मेरी गलती हो तब तो बिल्कुल भी नहीं। माँ सही कहती है, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, गलतियां मुझसे भी हो सकती हैं। तुम ना महान आत्मा, बिल्कुल सही कहते हैं हम। तुम श्रद्धा अपने सारे खेल जैसे उसको खेलने वैसे खेले जा रही, और तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और सबसे बड़ी मुसीबत की बात तो यह है कि मैडम को देखना भी नहीं, आंखों पे पट्टी बांध रखी। मां से हम भी बहुत प्यार करते हैं, लेकिन साथ में हमें श्रद्धा की असलियत भी दिखाई दे रही है। उसके खिलाफ खड़े होने के बजाय तुम खुद गलती मान के आंसू आए जा रही। थपकी के सारे आंसू, सारे रिश्ते खत्म करने हैं मुझे। अब तुम्हारी दादी माँ और तुम्हारे बाऊजी का भरोसा उठाना है थपकी पर से, फिर तो उसका इस घर से जाना पक्का। पर मम्मी जी, बाऊजी और दादी माँ की जान है थपकी, खुद से ज्यादा भरोसा करते हैं उस लड़की पे। आपको नहीं लगता कि उन दोनों को थपकी के खिलाफ करना मुश्किल होगा? मुश्किल होगा पर नामुमकिन नहीं। पता है श्रद्धा, ये भरोसा भी ना बड़ी अजीब चीज होती है, उसे पाने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, बड़ा वक्त देना पड़ता है, मगर एक पल, एक चोट और एक गलत फहमी उस पूरे भरोसे को खत्म कर देता है। हमें बस वही पल, वही चोट और वही गलत फहमी ढूंढनी है, उसके बाद तुम्हारी दादी माँ और तुम्हारे बाबूजी का भरोसा की पर से हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मम्मी जी, आपने मुझे ढूंढ लिया है, फिर आपको किसी भी चीज को ढूंढने में कोई मुश्किल नहीं है। पता है श्रद्धा, मेरे ध्रुव ने ना कभी अपने लिए किसी लड़की का सपना नहीं देखा था, लेकिन मैंने जैसी बहू का सपना देखा था ना अपने लिए, तुम बिल्कुल वैसी हो। सच्ची? तो फिर मम्मी जी, आप बस देखती जाइए, थपकी और उसके बुरे वक्त के बीच आप कोई नहीं आ सकता। हम आएंगे बीच में, श्रद्धा और तुम्हारे। तुम हमारा साथ नहीं चाहती, फिर भी हम रहेंगे तुम्हारे साथ, इसलिए नहीं क्योंकि श्रद्धा गलत है, इसलिए क्योंकि तुम सही हो। लोहा ही लोहे को काटता है जुगाड़ी, और तुम हो रुई, इसीलिए हम बनेंगे लोहा और काटेंगे उस श्रद्धा के गलत इरादों को। जिस प्यार और नेकी से तुमने सबके दिलों में और इस घर में जगह बनाई है ना, उसे हम कभी खत्म नहीं होने देंगे।
तुमसे कभी कोई नफरत नहीं करेगा। एक हम ही है जिससे इस घर में तुम्हारा मजबूरी से रिश्ता जुड़ा है, और एक हम ही है जो ये वादा भी करते हैं कि जिन लोगों से तुम्हारा दिल से रिश्ता जुड़ा है ना, उन लोगों के दिल से तुम्हें निकलने नहीं देंगे। अरे लीजिए ना, और चाहिए होगा तो ससुर जी को बोल के पार्सल मंगवा दूंगा, है ना? अब इतना प्रेशर कर रहे हैं तो ले लीजिए। जी जी, जी। आदिति, ऐसी हालत में इतना भारी सामान नहीं उठाते। ऐसी हालत क्यों, क्या हुआ है? अरे हुआ नहीं तो हो जाएगा। पूनम जी बधाई हो, बधाई। अरे बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी? कौन सी खुशखबरी? आपके दामाद जी ने और उनके माता पिता ने सब बता दिया है कि अदिति माँ बनने वाली है। अब अदिति को आराम करने देते हैं। अच्छा पूनम जी चलते हैं। अच्छा नमस्ते। नमस्ते। तो मेरी प्यारी धर्म पत्नी जी, शौक लगा 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 शौक लगा। एक बात बताओ, हमारा जो होने वाला स्वास्थ्य होगा ना? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दिवाकर ये झूठी अफवाह पूरे मोहल्ले में फैलाने की? तुम अपने आप को समझते क्यों? हाँ, ये शादी सिर्फ एक नाम की शादी है और कुछ नहीं, सिर्फ एक नाटक है, समझे तुम? पता है मुझे कि ये शादी एक नाटक है, लेकिन क्या है, अब इस घर पे अपना हक जमाने के लिए जो कुछ तो करना ही था। तभी मेरे इस विकृत दिमाग में एक आइडिया है कि इससे पहले कि मेरे ससुर जी मेरा तलाक करा दे, क्यों ना मैं ये अफवाह फैला दूं मोहल्ले में कि मेरी होने वाली पत्नी पेट से है। ताकि क्या है, जो बदनामी हो वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की हो। बहुत धमकी दे चुके, तो बहुत डरा चुके हमारी बेटी को। तो याद रखना दिवाकर, अब मेरी बेटी अकेले नहीं है, हम दोनों उसके साथ में है, और बदनामी होगी तो सिर्फ तुम्हारी। मैं तुम दोनों का तलाक करवा कर रहा हूं। मैं अभी जाकर बाहर सबको बताता हूं कि कैसे अफवाह फैला रहे हो तुम लोग। मैं अभी जाता हूं। पापा, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, इन घटिया लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। समझी जी, आपसे ज्यादा समझदार तो आपकी बेटी है। अपनी बेटी की बात मान ही लीजिए कृष्णकांत जी, अब बाहर जाके और कुछ कहोगे तो समझो कि आग में घी डाल रहे हो आप। और आग में जलेंगे आप और आपका ये परिवार। मैं और मेरे माताश्री और पिताश्री हमारे आराम कक्ष में जाके थोड़ा आराम फरमाएंगे। जब खाना तैयार हो जाए बुला लेना। ओके डार्लिंग, थैंक यू, बाय बाय। आइए चलते, स्वीट में क्या गुलाब जामुन, छोड़ो रबड़ी मंगवाते। आदिति क्यों रोका मुझे बाहर जाने से, बताने दो उन लोगों को। हाँ बेटा, उससे क्या होगा मां, ये घटिया लोग हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। हम सब ये चुपचाप सहते रहे? नहीं माँ, मैं चाहती हूँ कि अब हम ईंट का जवाब पत्थर से दें, और वो भी ऐसे कि इन लोगों का मुंह बंद हो जाए हमेशा हमेशा के लिए। बस सही वक्त आने दो। अरे भाभी आइए ना, बैठिए, नाश्ता कीजिए, मैं आपको नाश्ता परोस देती हूँ। कोई जरूरत नहीं, हम खुद ही ले लेंगे। भाभी लाइए, मैं सर्व कर देती हूँ। राजू बेटा, सामान ले आया सारा? जी दादी जी, सब आ गया। अच्छा ठीक है, उसे रसोई में रखते। जी दादी,
कल मकर संक्रांति है और हम हर मकर संक्रांति को सुबह सुबह 7 पंडितों को भोजन करवाते हैं। ये परंपरा ना बल्लू के बाबूजी ने शुरू की थी और हम हर साल इसे निभाते हैं। हाँ, हर बार की तरह कल सुबह भी 7 पंडित आएंगे और हम उनको खिचड़ी का भोजन कराएंगे। और खिचड़ी के भोजन के साथ होंगे 4 यार। बाबूजी बताइए ना सबको। खिचड़ी के पक्के 4 यार, दही, पापड़, घी और अचार। और हाँ, पंडितों का भोजन स्वादिष्ट और शुद्ध होना चाहिए। थपकी बेटा जी, इस बार पंडितों के भोजन की जिम्मेदारी तुम्हारी। बल्लू के बाबू जी की परंपरा का अपमान नहीं होना चाहिए। हाँ, पर फिर ये तो अपमान कराने में माहिर है। बिटिया ने कल वो जानबूझकर नहीं किया। हाँ हाँ, ऐसी गलती हम सब में से भी तो किसी से हो सकती है ना। फिर भी दादी माँ, कल के शुभ काम की जिम्मेदारी आप और किसी को दे दीजिए प्लीज। लेकिन थपकी बेटा तुम, माँ जी जब थपकी खुद ही मना कर रही है तो रहने दीजिए ना। आप ये काम श्रद्धा को दे दीजिए, ये भी बखूबी संभाल लेगी इस जिम्मेदारी को। श्रद्धा बेटा तुम, नहीं मम्मी जी, मैं ये जिम्मेदारी नहीं निभाना चाहती। ये थप्पी के साथ गलत होगा। दादी माँ, आज तक थप्पी जो भी काम करती आई है उसने बखूबी से निभाया। कल जो कुछ भी हुआ वो तो एक गलती थी। जरूरी थोड़ी ना है कि थपकी ऐसी गलती दोबारा दोहराए। हाँ, हम श्रद्धा बेटी की बात से पूरी तरह सहमत हैं। ये काम थपकी बिटिया को ही करना चाहिए। बस तो फिर तय रहा, पंडितों के भोजन की जिम्मेदारी थपकी की। पंडितों का भोजन अपने हाथ से बनाना है, इसलिए दही, अचार, पापड़ भी सब रात को ही बना करके रख लेना। ठीक है? ठीक है दादी माँ। वसु बहू, मैं और बल्लू ना हम लोग पंडितों को न्योता देने जा रहे हैं। आते आते ना हमें रात हो जाएगी। जी रात हो जाएगी। हाँ श्रद्धा बेटा, क्या है कि हम अपने पुश्तैनी गांव जाएंगे ना, वहाँ ध्रुव के दादाजी ने एक मंदिर बनवाया, तो हर साल उसी मंदिर के पंडितों को बुलाया जाता है। दादी माँ, मैं और चुटकी आपके साथ चले, प्लीज हमें ले जाइए ना आपके साथ। अच्छा ठीक है, जाओ जाकर तैयार हो जाओ। अरे माँ, यस, थैंक यू दादी माँ। थपकी, भाभी चली जाएंगी तो तुम चिंता मत करना, मैं हूँ ना तुम्हारी हेल्प कराने के लिए। गजा मदद, और आप मदद के नाम पे आप क्या कलाकारी करोगे ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं, पर हम भी कम कलाकार नहीं है पापी जी। आज तुम देखो हम क्या कलाकारी दिखाते हैं। चलो बल्लू जल्दी निकलते हैं। चलो भाई चलो। बाबरी हम अपने गाड़ी निकलवा दें। श्रद्धा, कल के शुभ कार्य की जिम्मेदारी मैंने तुम्हें दिलवाई पर तुमने मना कर दी। क्यों? कितना अच्छा अवसर था सबका दिल जीत लेने का। अम्मी जी, अगर मैं सबका दिल जीतती तो थपकी अपना भरोसा कैसे हारती। कल के शुभ अवसर पर अगर एक अशुभ धमाका हो जाए तो जितना बड़ा धमाका दादी माँ के दिल से थपकी उतनी ही जल्दी आउट। खिचड़ी के पक्के
चार यार, घी, पापड़, दही और अचार, और यही चारों करेंगे थपकी की तकदीर का पलटा था। कुछ भी हो जाए मुझे हर काम अच्छे से करना है, ठीक से, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। भगवान, आज जितना भी मैं सोच रही हूँ कोई काम गड़बड़ ना हो, कुछ प्रॉब्लम ना हो, उतना ही सब खराब होता जा रहा है। पापड़ बनाया जा रहा है, बनाओ बनाओ, अब तो तुम्हारी लाइफ खराब होने वाली है। थपकी, देखती जाओ अब मैं तुम्हारे साथ क्या क्या तमाशा करने वाली हूँ। क्या तमाशा करने वाली हो भाभी जी? नहीं, हमारा मतलब है कि आप तो यहाँ थपकी की मदद करने के लिए रुकी थी, तो फिर इतनी दूर से तमाशा क्या देख रही है? चलिए चल के उसकी मदद करते हैं, ये भी अच्छा लगेगा। अब नहीं, मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं पहले वो निपटा दूँ, फिर आ जाऊंगी मदद करने। मैं कहाँ भागी जा रही हूँ ना? आपका काम थकिया काम बिगाड़ने के अलावा और क्या हो सकता है? खैर कीजिए जो करना है, आज आप पर हमारी नजर। बीपोर बिहान पांडे, आज आपकी कोई चाल कामयाब नहीं।